उत्तर प्रदेश में एक खास कुचक्र और खास षड्यंत्र चल रहा है, और वो षड्यंत्र ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो इंडिपेंडेंट स्वाभिमानी स्वावलंबी और राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, उसको उसके बाद में उनकी मृत्यु के बाद में खत्म कर दिया गया था षड्यंत्र पूर्वक। उसका पुनर्जीवन काशीराम जी ने किया था, मगर काशीराम जी के बाद में फिर कॉन्स्पिरेसी करके उसको खत्म करने का षड्यंत्र किया गया। हमारी ये कोशिश ये जताने की और ये बताने की है कि आंदोलन खत्म करने का प्रयास हम सफल नहीं होने, हम अपने बलबूते पर, मैं ही चला रहा हूँ, मेरा नाम वामन मेश्राम, शायद आप लोग कौन समाप्त करने का प्रयास कर रहा है, नाम तो लीजिए। इस देश में जो ब्राह्मणवादी शक्तियाँ है, वो ब्राह्मणवादी शक्तियाँ ये षड्यंत्र कर रही है और उसमें मायावती को टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। भारत मुक्ति मोर्चा कब बना है? भारत मुक्ति मोर्चा लगभग 3-4 साल पहले। ये एक अम्ब्रेला है, इसके नीचे सारे संगठन है या क्या है? इसके बारे में गैर राजनीतिक संगठन है और इसके बहुत सारे 53 ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन, मेन जैसे विद्यार्थी है, युवा है, बेरोजगार है, किसान है, और इसके अलावा डॉक्टर है, इंजीनियर है, जैसे बहुत सारे लिटरी लोग हैं, पत्रकार लोग हैं, फिर सोशल नेटवर्किंग में शेड्यूल कास्ट है, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट है, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट है। अब तक की आपने इस तरह के कितने और सम्मेलन किए हुए हैं? ये 365 दिन से ऑल इंडिया में चल रहा है। अच्छा, आपका जो और ये समापन है, जो रोहित नमूरा जी का ये जो सुसाइड मामला था, परिवार को आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? रोहित नमूरा का मामला कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर उसको दबाने का षड्यंत्र किया, और दबाने के लिए राहुल गांधी जी को दोबारा हैदराबाद यूनिवर्सिटी में भेजा गया था। जब पहली बार राहुल जी गए थे तो उस आंदोलन का उन्होंने समर्थन किया था, जब दूसरी बार गए तो उन्होंने उस आंदोलन को वहाँ से कॉल ऑफ करके ये आश्वासन देकर गए कि संसद में हम बंद करवाएंगे। वो संसद बंद भी नहीं करवाई और संसद में एक शब्द राहुल जी नहीं बोले, और विरोधी पार्टी के जो नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे उनको भी नहीं बोलने दिया, एक शब्द भी नहीं बोलने। और फिर कांग्रेस बीजेपी और कम्युनिस्टों ने मिलकर कन्हैया का मामला खड़ा किया, और ताकि रोहित मेमुला का मामला जो है पर्दे के पीछे गायब किया जा सके। कन्हैया के आंदोलन से आप कितना सेटिस्फाइड हैं या नहीं है? रोहित मेमुला का मामला दबाने के लिए जो षड्यंत्र हुआ उस षड्यंत्र में कन्हैया शामिल है, उस षड्यंत्र में शामिल है, उसके सहमति से ही वो है। आखिर राहुल गांधी ने ऐसा दबाने के लिए किया क्यों, इसकी कोई देखो ये बीजेपी के स्मृति ईरानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने अटेंड किया, सुना? उसमें एक सेंटेंस स्मृति ईरानी ने कहा कि यूपीए ने एक पॉलिसी बनाई थी, वो पॉलिसी को राहुल जी उल्लंघन कर रहे हैं, उस पॉलिसी को बीजेपी ने अमल में लाया जब हम विरोधी पार्टी में थे। कौन सी पॉलिसी की बात कर रहे हैं? वो पॉलिसी स्मृति ईरानी नहीं बोल रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो पॉलिसी ये है कि जब कांग्रेस की रूलिंग है तो अपोजिशन पार्टी के तरफ से इस तरह के इश्यू जैसे
रोहित विमला का इशू है, इस तरह के इशू को पार्लियामेंट में उग्रता से नहीं उठाया जाएगा, ये जो पॉलिसी है बीजेपी ने उस पर अमल किया। अब रूल और रूल अभी बीजेपी का आया है तो अपनी ही बनाई हुई पॉलिसी का उल्लंघन कांग्रेस और यूपीए क्यों कर रही है? ये मामला जब राहुल जी हैदराबाद से वापस आए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मामला उठाया, स्मृति ईरानी, रिकॉर्डेड है, बातें मैं काल्पनिक नहीं बोल रहा हूँ। फिर दूसरा प्लान बनाया गया, ये एक अभूतपूर्व घटना थी कि दोबारा राहुल जी गए हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, आप पत्रकार लोगों को मालूम, अन्यथा दो दो बार जाने का कोई तर्क नहीं बनता था। दोबारा इसलिए गए तो प्लान बनाया गया बीजेपी के साथ कोऑर्डिनेशन से, और उसको वहां जाकर के कि आपने ही उसको हवा दिया और इतना बड़ा मामला खड़ा कर दिया। आपको याद होगा कि हमने इंटरनेशनल क्षेत्र में ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो वर्ल्ड में कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें बीजेपी के लोगों ने कांग्रेस के रूलिंग में हमने समर्थन किया, आप जो कहोगे आपका समर्थन किया, आप इस मामले को क्यों उठा रहे हैं? और फिर उसके बाद में राहुल जी वहां गए और उस बात को उन्होंने खत्म करवाया, ये आश्वासन देकर खत्म करवाया, ये सारे लोगों ने हमको बताया एविडेंस, ये आश्वासन दिया था पार्लियामेंट बंद करें, बंद नहीं किया, एक शब्द भी नहीं बोला। फिर दूसरा प्लान ये बनाया गया कि ये इसको हम दबाएंगे तो ये जो बामसेब और भारत मुक्ति मोर्चा के जो लोग हैं इसको ऑल इंडिया में उठा रहे, ये तो सारा आंदोलन जो है इनके तरफ डाइवर्ट हो जाएगा, ये तो खतरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए एक दूसरा प्लान बनाया गया कि एक नया लीडर खड़ा किया जाए और वो आंदोलन जो हम लोग बंद करवा रहे हैं वो कन्हैया की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाए। इसके लिए एक डिस्टोर्टेड स्टोरी बनाई गई और वो GTV पर दिखाई गई, इसको आधार बना करके कन्हैया को अरेस्ट किया गया। और जब ये डिस्टोर्टेड स्टोरी दिखाई जा रही थी तो वहाँ का जो संपादक था उसने इस्तीफा दे दिया, ये बात आप लोगों को मालूम, ये गलत बात में शामिल नहीं होना चाहता ऐसा उसके पत्रकार का कहना। जो इंक्वायरी कमीशन इन्होंने इंक्वायरी कमेटी बिठाई थी अरविंद सर अरविंद केजरीवाल ने, उसमें वो सारा झूठा साबित हो गया कि ये झूठ बात है, राष्ट्रद्रोह भ्रष्टद्रोह जो है ये कन्हैया को हीरो बनाने के लिए ताकि उसको अरेस्ट किया जाए, अरेस्ट होने से वो हीरो बन जाएगा, हीरो बनने से जो आंदोलन है उसकी तरफ डाइवर्ट और रोहित वर्मा का मामला दब भी जाएगा और इसको खड़ा भी किया जाएगा लीडर के तौर पर, रिप्लेस कर दिया जाएगा, ये नहीं। तो ये कोशिश जब हुई तो ये कोशिश के आधार पर हम लोगों ने बातें कहना शुरू किया, इस आधार पर, ऐसे ही नहीं कह। ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी? ये लड़ाई और किस फैसले पे? मैं 40 साल से कर रहा हूँ, 19 साल की उम्र में था भी मैं इस नेशनल प्रेसिडेंट हूँ तो मैं ये 539 जिलों में इसको पहुँचा। अच्छेराम जी ने जब नाम से को 13 स्टेट में 140 जिलों में पहुँचाया था तब तो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई थी, ये हमारा गैर राजनीतिक आंदोलन है, राजनीतिक आंदोलन नहीं है। मगर राजनीति के क्षेत्र में हमारे ऊपर दबाव डालने वाले, षड्यंत्र करने वाले, आंदोलन खत्म करने वाले, एट्रोसिटीज करने वाले जो लोग हैं वहाँ जाते हैं तो निश्चित रूप से गलत रिप्रेजेंटेशन की वजह से ऐसा परिणाम होता है, तो उसको रोकने की भी कोशिश होनी चाहिए। इसके लिए भी हम लोग पर्दे के पीछे से काम करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे।